चकमा हाजोंग समुदाय को अरुणाचल प्रदेश के बाहर बसाने के मुद्दे को लेकर सांसद नवाम रेबिया की टिप्पणी पर विभिन्न चकमा हाजोंग समूहों और संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। सांसद नवाम रेबिया ने कहा था कि चकमा हाजोंग समुदाय को अरुणाचल के बाहर बसाना मामले का सबसे बेहतर समाधान है। चकमा गांवबुरा एसोसिएशन ने सांसद की टिप्पणी का विरोध किया है, इस बात का जिक्र करते हुए कि चकमा हाजोंग समुदाय पिछले 60 साल से अरुणाचल में बसा हुआ है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पुनर्सेन चकमा ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव को हम कभी नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि समुदाय की 95% आबादी का जन्म अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ है। अरुणाचल सरकार जी प्रपोजल दिखे आम चकमा दसरा स्टेट लाने आम प्रपोजल तो आम के नामाने आम इतना 60 বছৰ হৈছোঁ অৰুণাচলতে আৰু আমাৰ ইয়াত 95% আমাৰ বাইবাৰ চিটিজেন হয় আৰু আমি ইয়াতে আমাৰ অৰুণাচলতে আমাৰ মাতৃভূমি হয় জন্মভূমি হয় এইটো মাটি এইটো গড় এৰি আমি ক'তো নাযায়। वहीं चकमा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने भी सांसद नवाम रेबिया की टिप्पणी की निंदा की है। संगठन की संचार सचिव गीता चकमा ने कहा कि रेबिया ने बेबुनियाद और गलत टिप्पणी की है। उन्होंने सरकार पर भी चकमा हाजोंग समुदाय के प्रति सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान के लिए सरकार को समुदाय के सारे अधिकार वापस करने चाहिए। हमारे MP नवाम रेबिया जी ने जो बात कही है कि चकमा और हाजोंग कम्युनिटीज को रिलोकेशन के बारे में, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। 57 साल पहले हमारा पुनर्वासन हुआ था, हमें यहाँ बसाया गया था, हमें सारे अधिकार दिए गए थे जो एक नागरिक को मिलता है, वो हमसे एक एक करके छीन लिए गए। वहीं चकमा रायसन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी सांसद नवाम रेबिया की टिप्पणी का यह कहते हुए विरोध जताया है कि चकमा हाजोंग समुदाय को प्रदेश के बाहर बसाने से मामले का हल नहीं होगा। संगठन के अध्यक्ष महेंद्र चकमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह समुदाय को उनके घर से बाहर निकाल फेंकने की एक चाल है जो कभी कामयाब नहीं होगी। रिलोकेटिंग द चकमास एंड हाजोंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आउटसाइड is not an honorable solution. It is rather a ploy to uproot them from their hearth and homes 57 years after they were already rehabilitated. This is not acceptable to the Chakmas and Hajongs of Arunachal Pradesh. CIDO के अध्यक्ष ने साथ ही यह मांग उठाई कि चकमा हाजोंग मुद्दे पर सरकार सभी हितधारकों को बुलाए और मामले को सुलझाने के लिए उनसे बात करे। This is unjust and unfair. This is to bypass the Supreme Court judgment of 2015. If the government is really serious about resolving this vexed Chakma Hajong issue, then it should invite all the right stakeholders, have an open and honest discussion based on truth, based on ethnic diversity, plurality of thoughts, and peaceful coexistence.